अस्सलाम वालेकुम, शाहजी मोबाइल्स पर आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बड़ी फरमाइश आ रही थी कि वीवो का जो V20 है उसका रीनो 5 के साथ कंपैरिजन करके दिखाएं, तो ये वीडियो मैं फिर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको बताऊँ कि इनमें क्या फ़र्क है और कौन सा फ़ोन बेहतर है। ये आपने ख़ुद फैसला करना है, मेरा काम है आपको स्पेक्स में जो फ़र्क है बता दें। मैं किसी भी जो है ना एक कंपनी के बारे में ये नहीं कहूँगा कि ये बुरी है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इन दोनों की प्राइस 60,000 रुपये है और ये दोनों इस वक्त इनका टॉप वेरिएंट में शुमार होते हैं जो पाकिस्तान में रेगुलर चलते हैं। तो वीवो का V20 भी 60,000 का है और ओप्पो का रीनो 5 भी 60,000 रुपये का। दोनों की स्पेक्स 8128 हैं। दोनों फ़ोन में अगर स्पेक्स में देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी। अच्छा, इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है V20 वालों का वो है फन टच 11, तो इसी तरह रीनो 5 में उन्होंने कलर OS 11 डाला है। और उसके बाद अगर इसमें जो स्पेक्स बिल्कुल सेम है वो देखें तो इन दोनों का जो वेट है दोनों का ही 171 ग्राम वेट है। दोनों का CPU क्रायो 465 है। दोनों का चिपसेट स्नैपड्रैगन 720G है और जो दोनों का जो एंड्रीनो है वो 618 है। और उसके बाद देखा जाए तो दोनों की जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो AMOLED 6.4 है। तो ये चीज़ें हैं जो इनमें बिल्कुल सिमिलैरिटी रखती हैं। उसके अलावा भी इनमें कुछ चीज़ें जो है वो सेम टू सेम है, जैसा कि इन दोनों में ही फ्रंट पे 44 मेगापिक्सल का कैमरा, सिंगल कैमरा लगाया गया है। हमने रीनो 4 में फ्रंट पे डबल कैमरा देखा था, तो दोनों ने फ्रंट पे 44 मेगापिक्सल का सिंपल जो है ना कैमरा लगाया है। और उसके बाद दोनों में ही टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इस्तेमाल की गई है। अच्छा जी, ये हो गए जो इनमें बेसिक बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों फ़ोनों में, वो तो मैंने आपको बता दी। चले अब इसका जो इनमें डिफरेंस है उस पर बात करते हैं। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि इन दोनों का हम स्पीड टेस्ट कर लें कि दोनों में से फ़ोन में से पहले ऑन कौन सा होता है। 1 2 3, तो दोनों फ़ोन ही मैंने जो है ना आपके सामने इनको पावर दे दी है। अब आपने देखना है खुद ही कि इनमें से पहले फ़ोन कौन सा वाला ऑन होता है। फ़ोन अगर देखें साइज़ में भी आपको तकरीबन सेम ही लग रहे हैं, वेट इनका बिल्कुल बराबर है। तो ओप्पो के डिस्प्ले में ये फ़र्क है कि उन्होंने पंच होल 44 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, जबकि वीवो ने अपना वो नॉट स्क्रीन कैमरा दिया है। लेकिन वीवो इस टाइम जीत चुका है। आप देख रहे हैं कि ओप्पो रीनो 5 से काफ़ी पहले वीवो का फ़ोन ऑन हो चुका है। तो ऑन होने में तो वीवो जो है, हालांकि वीवो के फ़ोन में डाटा है, इस्तेमाल हो रहा है, उसमें ऐप्स हैं, ओप्पो का फ़ोन बिल्कुल अभी नया डब्बे में से निकाला है, लेकिन फिर भी वीवो के फ़ोन की स्पीड अच्छी आपके सामने आ गई। अगर हम बैक साइड की बात करें तो अभी भी मुझे पर्सनली, ये मेरी ज़ाती राय है, मुझे वीवो के फ़ोन की बैक ज़्यादा प्यारी लग रही है। बैक से मुझे वीवो का फ़ोन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अगर हम आ जाएँ बैक कैमरा पैनल की बात करें तो उसमें भी जो अगर देखें तो बैक कैमरा पैनल में आपको ओप्पो सबकत ले जाता नज़र आता है, क्योंकि ओप्पो ने इस्तेमाल किया है क्वाड कैमरा सेटअप, जबकि वीवो का है ट्रिपल कैमरा सेटअप। ठीक है, अच्छा, ओप्पो और वीवो के जो तीन तीन कैमरे हैं वो बिल्कुल सेम है, यानी कि मेन कैमरा 64 का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद एक अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का कैमरा और एक 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा इन दोनों डिवाइसेस में लगा हुआ है। लेकिन डिफरेंस क्या है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि मेन डिफरेंस इनमें यह है कि ओप्पो वालों ने 1-2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा इस्तेमाल किया है। तो इस मामले में कैमरा सेटअप में अगर देखें तो ओप्पो जो है ना आपको वाजिया सबकत ले जाता नज़र आता है। तो उसके बाद अगर हम इनकी देखते हैं चार्जिंग और बैटरी की तरफ, तो उसमें भी ओप्पो का फ़ोन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वीवो ने इस्तेमाल की है 4000 mAh की बैटरी, जबकि ओप्पो रीनो 5 में आपको दी गई है 4310 mAh की बैटरी, यानी कि 310 mAh आपको ओप्पो के रीनो 5 में ज़्यादा मिल रही है। उसके बाद अगर हम इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी में आ जाएं तो वीवो वालों ने इस्तेमाल किया है 33 वाट का फास्ट चार्जर, तो वो भी अच्छा है। लेकिन ओप्पो वालों ने इस्तेमाल किया है 50 वाट का सुपर वूक चार्जर। तो ओप्पो वालों ने रीनो 5 में चार्जर तो वीवो से बहुत ज़्यादा बेहतर दे दिया है, और कैमरे में भी जो है ना ओप्पो का फ़ोन बेहतर है, बैटरी के MAH में भी ओप्पो के फ़ोन को जो है ना मार्जिन हासिल है। लेकिन बाकी ये दोनों फ़ोन जो है, क्योंकि ओप्पो का फ़ोन बिल्कुल अभी न्यू मॉडल आया है और V20 जो है वो रीनो 4 के ज़माने का फ़ोन है, तो इसलिए बिल्कुल तो ये फेयर कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन अगर प्राइस में देखा जाए तो पाकिस्तान में अब आपको
दोनों फ़ोन 60,000 रुपये के हैं, तो चॉइस आपने करनी है कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद है। तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो इन दोनों को कंपैरिजन करने की, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद जो है ना, आप अपनी जो इस मामले में जो आपकी राय है उसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मैं आपका जो है इंतज़ार करूंगा, और आप मज़ीद किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताएं। इंशाल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।